नमस्कार दोस्तों, डेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रथम पेपर यानी 1-5 का बाल विकास पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या उत्तर हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है कि डिसग्राफिया क्या है। तो डिसग्राफिया क्या है, इसका उत्तर सही क्या उत्तर होगा, डिसग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। यदि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करें। ऑप्शन नंबर 3, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। और ऑप्शन नंबर 4, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका जो आंसर है वह यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये भी हमारा इसमें बिल्कुल सही है, पाठचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर 2 जो है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा ठीक होगा, यह है हमारा प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन नंबर 2 यानी शैशवावस्था में समाजीकरण की जो है प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों के शैशवावस्था में जो है प्राथमिक संस्थाएं जो है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है प्राथमिक माध्यमिक जो है इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, यानी भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 1, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, नंबर 2, पूर्व पारंपरिक स्तर, नंबर 3, पारंपरिक स्तर और नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो है यानी लोगों की अपेक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब इसके ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह पूछा गया है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसमें क्या है,
उन विद्यार्थियों की पहचान, ऑप्शन नंबर एक, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर दो, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर तीन, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर चार, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर तीन इज अ करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना यानी फीडबैक देना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ऑप्शन नंबर एक 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर दो 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीन 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर चार 7 वर्ष। यानी इसका जो ऑप्शन तीन है बिल्कुल सही है, 3 वर्ष, और ऑप्शन नंबर चार 7 वर्ष। यानी बच्चे जो हैं 3 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो ये जो है क्वेश्चन एक ऐसा है जिसके दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीन जो है हम मानते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो है 7 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा, कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ऑप्शन नंबर एक, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर दो, नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर तीन, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। ऑप्शन नंबर चार, केश अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दो है इज अ करेक्ट आंसर, नारीवादी दृष्टिकोण से। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किससे की? नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारा, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर तीन, सॉरी ऑप्शन नंबर दो इज अ करेक्ट आंसर, केंद्रीयन। इसमें क्या है, विशेषताओं में चीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ऑप्शन नंबर एक क्या दिया गया, धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित स्थिर है तार्किक। ऑप्शन नंबर दो, स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक। ऑप्शन नंबर तीन, स्थिर है तार्किक धीमी आत्म केंद्रित। ऑप्शन नंबर चार, धीमी तार्किक स्थिर आत्म केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर दो जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। इसमें कौन सा आ जाएगा, स्थूल गतिक कौशल, बुनाई, ऑप्शन नंबर एक बुनाई, ऑप्शन नंबर दो तैरना, ऑप्शन नंबर तीन एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ऑप्शन नंबर चार एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसमें ऑप्शन नंबर दो जो है इज अ करेक्ट आंसर, यानी तैरना जो है स्थूल गतिक कौशल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर एक एकीकरण यानी सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन नंबर दो शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन नंबर तीन समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन नंबर चार विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दो यानी शीर्षगामी तथा समीपस्थ जो है ऑप्शन नंबर दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर एक दिया गया है भाषिक अंतर्वैयक्तिक, दूसरा दिया गया है दिव्यस्थान अंतर्व्यक्ति और तीसरा दिया गया है अंतर्व्यक्ति और दिव्यस्थान और ऑप्शन नंबर चार अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है इसका आंसर जो हो जाएगा अंतःव्यक्ति और दिव्य स्थान। यानी एक दर्शन शास्त्री के पास अंतःव्यक्ति व्यक्ति ही किस बुद्धि होगी जबकि मूर्तिकार के पास जो है दिव्य स्थान की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर एक बच्चों के अधिगम पर शिक्षा के नियंत्रण पर। ऑप्शन नंबर दो सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर। ऑप्शन नंबर तीन आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर चार एक प्रक्रिया के बजाय
अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी तीसरा जो है बिल्कुल सही है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो कौन सा है प्रभावी तरीका? नंबर एक, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर दो, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर तीन, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर चार, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा चार है बिल्कुल सही आंसर है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर दो, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर तीन, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर चार, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर दो, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इज अ करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन नंबर एक, संगठन। ऑप्शन नंबर दो, वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर तीन, वैचारिकता। ऑप्शन नंबर चार, गैर प्रासंगिकीकरण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर चार जो है सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिकीकरण जो है अधिगम के दौरान सीखने में योगदान नहीं देती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर एक, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर दो, क्रिया की परिभाषा। ऑप्शन नंबर तीन, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन नंबर चार, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? तो ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर एक, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन नंबर दो, मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर तीन, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन नंबर चार, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दो जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, आर, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर दो, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर तीन, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर चार, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दो, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर एक, मूर्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर दो, सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन नंबर तीन, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन नंबर चार, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दो इज अ करेक्ट आंसर, यानी सहकर्मी सहयोग जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, नंबर एक, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर दो, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर तीन, विकासात्मक देरी का संकेत है। ऑप्शन नंबर चार, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर चार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है 25, क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजी के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन नंबर एक पारगमनतात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर दो जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर तीन केंद्रीयन, ऑप्शन नंबर चार परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दो जो है जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर दो जीववादी चिंतन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर एक कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन नंबर दो उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ऑप्शन नंबर तीन बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, और ऑप्शन नंबर चार संबंध कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीन बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये जो है ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अविकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण आर, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने को अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर एक ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर दो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर तीन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर चार ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। नंबर एक तथ्यों को रटना, ऑप्शन नंबर दो यंत्रवत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनना, ऑप्शन नंबर तीन समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर चार समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो इसका जो है सही आंसर है आपका समालोचनात्मक चिंतन के साथ विकास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन नंबर एक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर दो अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर तीन जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, और ऑप्शन नंबर चार तर्क संगत से अभि अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इसका जो है सही आंसर होगा जब बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे लास्ट क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन नंबर एक को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर दो की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर चार को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका जो है आंसर एक जो है बिल्कुल सही आंसर है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इस तरीके से जो है हमने 300 प्रश्न बाल विकास के सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही गए हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।